Hello students, today we are going to study chapter 1 of geography of class 7 and the name of the chapter is environment. Dear students, in this chapter we will study about environment and their components, natural environment and human environment, ecosystem and how is the man modifying the natural environment and how can we fix the problems. Now, the first question is, what is environment? And the answer is very simple. Whatever we see in our surroundings. प्यारे बच्चों, हम अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं वह हमारा एनवायरनमेंट है, जैसे कि प्लांट्स, वाटर, लैंड, टेबल, चेयर, कार, बिल्डिंग्स, पार्क्स आदि. एनवायरनमेंट इज मेड अप ऑफ मेनली टू थिंग्स. फर्स्ट इज बायोटिक कंपोनेंट्स, मीन्स लिविंग थिंग्स, which includes plants, animals, human beings, microbes, etc. And the second is abiotic components, that means non-living things or conditions, which includes land, water, air, sunlight, soil, etc. Now, first component of environment is natural environment. It includes land, water, air, plants and animals, means everything that is made by nature. वह सभी चीजें natural environment में आती हैं जिनका निर्माण प्रकृति द्वारा हुआ है, जैसे land, air, water and animals. Now we see the first domain of natural environment, that is land. It is called lithosphere. It is the top layer of the earth. It is made up of rocks and minerals covered with thin layer of soil. It contains mountains, plateaus, plains, valleys, etc. It provides us forest, grassland for grazing, land for agriculture and settlements. It is also source of minerals like iron, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एट्सेट्रा. प्यारे बच्चों, पृथ्वी पर जीवन के लिए भूमि अत्यंत आवश्यक है. यह पत्थरों और खनिजों से बनी है जिसमें ऊपर मिट्टी की परत पाई जाती है जो कि कृषि और जंगलों के लिए अत्यंत आवश्यक है. इस पर ही माउंटेन्स, प्लेट्यूज, वैलीज आदि पाए जाते हैं. यह हमें कई प्रकार के खनिज भी प्रोवाइड कराती है, जैसे सोना, चांदी, लोहा, कॉपर आदि. इस पर हम रहते हैं, कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि भूमि यानी कि लैंड नेचुरल एनवायरनमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है. नाउ वी सी द सेकेंड डोमेन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, दैट इज हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रो मीन्स वाटर. It comprises of rivers, lakes, seas, oceans, etc. Without water, there is no life on the earth. जल ही जीवन है, अर्थात
बिना जल के जीवन संभव नहीं है। जल के सारे स्रोत हाइड्रोस्फीयर में आते हैं, जैसे कि नदियाँ, तालाब, समुद्र, सागर, ग्लेशियर्स एट्सेट्रा। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लागे उस जैसा। पानी पानी रे पानी। The third domain of natural environment is atmosphere, means thin layer of air that surrounds the earth. हम इसे देख तो नहीं सकते, लेकिन जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। It contains gases like oxygen, carbon dioxide, nitrogen, etc. that support life on the earth. It also protects the earth from the harmful radiation of the sun. एटमॉस्फेयर के एडवांटेजेस। नंबर वन, जीवन को चलाने के लिए इम्पोर्टेंट गैसेस जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन इसमें होती हैं। नंबर टू, एटमॉस्फेयर हमें सन की हार्मफुल रेडिएशन से भी बचाता है। नंबर थ्री, स्पेस से होने वाली पत्थरों की बारिश से भी एटमॉस्फेयर हमारी रक्षा करता है। नंबर फोर, मौसम के सारे बदलाव एटमॉस्फेयर में ही होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। The fourth domain of natural environment is biosphere. The living world makes biosphere. पृथ्वी पर जहां एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर यानी कि जल, स्थल और वायुमंडल मिलते हैं, वही जीवन संभव होता है। उसी स्थान को बायोस्फीयर कहा जाता है। नाउ वी सी हाउ लाइफ सस्टेन्स इन बायोस्फीयर। ऑल लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन देयर सराउंडिंग्स। ऑफन दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। द रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद देयर सराउंडिंग्स फॉर्म एंड इकोसिस्टम। इन शॉर्ट, हम कह सकते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में लिविंग थिंग्स का उनके सराउंडिंग्स के साथ इंटरैक्शन ही इकोसिस्टम का निर्माण करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, लेक्स, रिवर्स, ओशंस, यहाँ तक कि एक छोटा सा तालाब भी इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। प्यारे बच्चों, लिविंग थिंग्स का अपनी सराउंडिंग्स के साथ संतुलन बहुत ही नाजुक होता है और इसे डेवलप होने में हजारों साल लगते हैं, लेकिन मनुष्य अपनी मूर्खता से इसे क्षण भर में ही नष्ट कर डालता है। तो हमें अपने इकोसिस्टम का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यही जीवन को संभव बनाता है। प्यारे बच्चों, अब हम यह देखेंगे कि मनुष्य इस नाजुक इकोसिस्टम को कैसे नष्ट करता है, और इसका उत्तर है अपना खुद का एनवायरनमेंट बनाकर, जिसे हम ह्यूमन एनवायरनमेंट कहते हैं। हमारे आसपास जो कुछ भी मैनमेड है वो ह्यूमन एनवायरनमेंट है, जैसे बिल्डिंग्स, रोड्स, सिटीज, इंडस्ट्रीज, टेबल, चेयर्स, पार्क्स एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। नाउ वी सी व्हाई डज मैन मॉडिफाई हिज एनवायरनमेंट। अब हम देखेंगे कि मनुष्य नेचुरल एनवायरनमेंट में हस्तक्षेप क्यों करता है। उत्तर बहुत ही सरल है, रहने के लिए, खाने के लिए, रोड और इंडस्ट्रीज बनाने के लिए। वह जंगलों को काटता है जिससे वह हाउस, रोड्स, इंडस्ट्रीज, एयरपोर्ट्स, स्टेडियम आदि बना सके। वह बड़ी बड़ी नदियों को बांध बनाकर रोक लेता है जिससे वह इलेक्ट्रिसिटी और पानी प्राप्त कर सके। मानव बेरहमी से धरती को खोद डालता है जिससे वो मिनरल्स प्राप्त कर सके। इन सब कार्यों से नेचुरल एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुँचता है, पृथ्वी पर जीवन ही संकट में आ जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट में बैलेंस बनाकर चले।
At last, we see some small but effective solutions for balancing the natural and human environment. Number one, reuse. Reuse things as much as you can. हमें वस्तुओं का बार बार इस्तेमाल करना चाहिए. Reduce. Stop wastage of electricity and water, papers, etc. हमें चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे बिजली की बचत करनी चाहिए, पानी की बचत करनी चाहिए और पेपर आदि की भी बचत करनी चाहिए. बिजली के उपकरणों को जब इस्तेमाल में ना हो तब बंद कर देना चाहिए. थर्ड, रिसाइकिल. मेटल्स, ग्लास, पेपर एट्सेट्रा कैन बी रिसाइकिल. मेटल्स को, ग्लास को, पेपर्स को पुनः चक्रण किया जा सकता है, इसीलिए इन्हें हमें फेंकने की बजाय रिसाइकिलिंग के लिए दे देना चाहिए. मेकिंग कंपोस्ट एट होम रिड्यूसेस वेस्ट. घर में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का हम कंपोस्ट बना सकते हैं, जिसे किचन गार्डन और पॉट्स यानी कि गमलों आदि में इस्तेमाल किया जा सकता है. से नो टू प्लास्टिक. प्लास्टिक को जितना हो सके उतना हमें कम इस्तेमाल करना चाहिए. इसके लिए हमें जूट बैग्स के इस्तेमाल को बढ़ाना चाहिए. प्लास्टिक वाटर बॉटल्स की बजाय हमें रीयूजेबल वाटर बॉटल्स यूज़ करनी चाहिए. पानी को बचाने का सबसे अच्छा उपाय है रेन वाटर हार्वेस्टिंग. घर में या हमें स्कूल्स आदि में रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, जिससे हम रेन वाटर को वेस्ट ना जाने दें और अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकें. इसके बहुत सारे लाभ आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे. प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज. हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, जिससे इकोसिस्टम बैलेंस रहे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूज साइकिल फॉर कवरिंग शॉर्ट डिस्टेंसेस. कम दूरी के लिए हमें साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट के इस्तेमाल को कम कर सकें और इससे पॉल्यूशन भी कम होगा और हमारी सेहत भी बनी रहेगी. बच्चों, हम सबके सामूहिक प्रयास से ही हम अपने पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं. चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन